व्हाट्स अप गाइस, अशीव वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू डू फ्रंट फ्लिप। फ्रंट फ्लिप कैसे करें, सबसे इजी तरीका। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम ट्राई करेंगे 100K तक जाना है, 24K तक हम पहुंच चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से गाइस प्लीज सपोर्ट करिए और हम इस तरह से ग्रो करेंगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर वन आपका करना पड़ेगा, आपको फ्रंट रोल करना पड़ेगा। सबसे इजी तरीका हर किसी को आता है, कुछ नहीं करना है, सामने बॉडी डाउन ये रोल करना है। इजी तरीका कोई भी कर सकता है। आप क्या हेड में रखना है, डायरेक्ट बैक रखना है, बैक के ऊपर रोल करना है लाइक दैट। इजी चीज है, कोई भी कर सकता है। स्टेप नंबर टू आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रंट हैंड स्प्रिंग आना जरूरी है क्योंकि इसी से आपका सेंस बनेगा आगे घूमने का। इजी है, आपको कुछ नहीं करना ज्यादा, थोड़ी सी रनिंग लेना है। मैं ट्राई रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्राई करो सेफ प्लेस पर जहाँ आपको लगे नहीं। आप रनिंग लीजिए, हैंड रखिए और बॉडी को घुमाइए, हैंड रखा हैंड बस, इजी आराम से। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बस हैंड रख के आपको बॉडी को घुमाना। आप जितना क्लियर करोगे इस चीज़ को उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। हैंड रखा, इतना क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे वैसे भी आपको करते करते आ जाएगा समझ में। स्टेप नंबर थ्री आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रनिंग लेकर टंबल लेकर रोल लेना पड़ेगा और यहाँ पे टक जरूरी है। जस्ट लाइक ये आपकी रनिंग हुई, ये फोर्स, सबसे पहले आपको फोर्स समझना पड़ेगा। रनिंग एंड स्टेप, मेरा क्या पर्सनल, मैं रनिंग लेता हूँ हैंड्स ऊपर और यहाँ पर मेरे हैंड्स ऊपर रहते हैं और लेग्स इस पोजिशन में रहते हैं। फोर्स जैसे ही मैं लेता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि अपने चेस्ट से हमेशा बॉडी को ऊपर लेके जाऊँ, मीन्स यहाँ से ऊपर ही लेके जाऊँ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो फोर्स लेते हैं बस ये घुमाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको फोर्स लेना है, बॉडी को पूरा ऊपर लेके जाना है, टक करना है, फिर घूमना है ताकि ईजी हो पाए। तो इसमें आपको रोल करना है जंप लेके, रनिंग एंड रोल लाइक दैट। यहाँ पर सबसे इजी काम मैंने करा, रनिंग ली, टंबल लिया, आगे रोल करा। लाइक दैट, बहुत इजी तरीका। आप इस तरीके इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करिए, आराम से हो जाएगा। स्टेप नंबर फोर अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरीके से घूमना है। आपको टक याद करना पड़ेगा, ये वाला, ये टक आपको हवा में करना है, ये टक आपको करना है फ्लिप करते समय थर्ड स्टेप के साथ। ये चीज थर्ड प्लस फोर स्टेप, प्रॉपर रनिंग लीजिए, फोर्स लीजिए और जैसे ही बॉडी ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ पे टक करना है और बॉडी को घुमाना है। आप ट्राई कर सकते हो, एकदम हाइट में घूम सकते हो, हाइट में घूम सकते हो या फिर आप थोड़ा डाउन घूमोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टक करना है और बॉडी को घुमाना है, रनिंग टक बस इतना। तो यहाँ पर मैंने करा, पैर रखा, बॉडी को आगे ले गया, टक करा और बॉडी घूम गई और उस पोजिशन में बैठ गया डाउन टक की पोजीशन में। वंस मोर रनिंग फोर्स टक बस आपको ये कर रहे हैं कि आपको रनिंग लेने के बाद टक करना है और घूमना है। आप इजी तरीके से घूम पाओगे, बहुत इजी चीज़ है, आराम से हो जाएगी। इसी पोजीशन में आगे घूमना है बस। स्टेप नंबर फाइव अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर पूरी स्टेप करनी जितनी मैंने बताई है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर रनिंग लेना है, पूरा फोर्स लेना है और चेस्ट से ऊपर तक बॉडी ट्राई करना, लेके जाना ऊपर, लेके जाइए, टक करिए और घूमिए। और घूमने के बाद जब आपकी लैंडिंग का पोजीशन आएगा तो टक को ट्राई करना थोड़ा छोड़कर खड़े होना प्रॉपर, इजी है। लाइक दैट, यहाँ पर मैंने बहुत इजी चीज करी है, बस रनिंग लेके हैंड्स को ऊपर रखा, पूरी बॉडी ऊपर लेके गया, टक करा, बॉडी को वहीं घुमाया और लैंड करा, इजी है, आराम से हो जाएगा। लाइक दैट, तो ये होता है एक नॉर्मल और परफेक्ट फ्रंट हैंड फ्रंट फ्लिप। तो ये नॉर्मल फ्रंट फ्लिप है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए, ईजी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा प्रो करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद आप सबको पसंद आया। तो गाइस 100K तक जा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए
और अपने फ्रेंड्स का शेयर कर जिनको नहीं आती फ्लिप सीखेंगे, और बाकी मेरे वीडियो चेकआउट करिए एंड सब्सक्राइब करिए 100K तक ले जाइए।